दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फ्रेश और न्यू वीडियो में। हीरो बंती फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले सुपरस्टार जैकी श्रॉफ के जूनियर टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के बाद से ही पूरे हिंदी सिनेमा ऑडियंस के बीच अपना नाम बना लिया था। टाइगर श्रॉफ की हीरो बंती उनके लिए बहुत ही खास फिल्म है और इसका सीक्वल बनना उनके लिए उनकी लाइफ की बेस्ट फिल्मों में से एक है, जिसमें वो अपनी पूरी जान डाल देना चाहते हैं। फिल्म का फर्स्ट पार्ट एक टॉलीवुड फिल्म का रीमेक था, तो वहीं फिल्म का सीक्वल भी एक टॉलीवुड फिल्म का रीमेक ही होने वाला है। इस फिल्म को भी टाइगर श्रॉफ के मेंटोर अहमद खान ही डायरेक्ट करने वाले हैं। टाइगर श्रॉफ और अहमद खान को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मेंटोर मानते हैं, और आखिर माने भी क्यों ना, उन पर सबसे पहले भरोसा अहमद खान ने ही दिखाया था। अहमद खान ने टाइगर को बॉलीवुड में हीरोपंती से डेब्यू ही नहीं कराया, बल्कि बागी जैसी सुपरहिट फ्रेंचाइजी के हर सीक्वल में उनको मेन हीरो रखते हुए उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। वापस से उनकी डेब्यू फिल्म हीरोपंती का सीक्वल बनने की बात आजकल मार्केट में काफी तेजी पकड़ रखी है। वहीं इस फिल्म में लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर तारा सुतारिया का नाम सामने आ रहा है, मगर हीरोपंती के सीक्वल के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पहली पसंद तारा सुतारिया नहीं थी, या फिर ये कहें तारा सुतारिया कभी भी फिल्म के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की पसंद थी ही नहीं। हीरोपंती की सीक्वल के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद कोई और थी। क्या आप जानते हैं किसको रिप्लेस करके आई है तारा सुतारिया इस फिल्म में? तो आपको बताते हैं इस फिल्म के लिए डायरेक्टर्स की पहली पसंद का नाम। हीरोपंती 2 के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की पहली पसंद सारा अली खान थी। जिस तरह सारा अली खान हर फिल्म के बाद अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाती जा रही है, हीरोपंती 2 के लिए सारा अली खान को पूरी तरीके से फाइनल कर लिया गया था। फिल्म को लेकर सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई थी। सारा अली खान का फिल्म में होना पूरे तरीके से कन्फर्म था, मगर आखिरी मोमेंट पर रातों रात सारा अली खान की फिल्म से एग्जिट हो गई। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है। आप तो जानते ही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद किस तरह ड्रग्स और नार्कोटिक्स का इसमें बार बार इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा था, और कई सेलिब्रिटीज का नाम भी इस स्कैंडल से जुड़ गया था। उसमें से एक नाम सारा अली खान का भी जोड़ा जा रहा था, और सारा अली खान को भी नारकोटिक्स ब्यूरो में इंटरोगेशन के लिए जाना पड़ा था। ऐसे में उन्हें फिल्म में रखना हीरोपंती 2 के लिए खतरा साबित हो सकता था। इस वजह से फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को सारा अली खान को फिल्म से बाहर निकालना पड़ा। ऐसे में अगली हीरोइन कौन होगी ये सोचा ही जा रहा था कि टाइगर श्रॉफ ने तारा सुतारिया का नाम मेकर्स को सजेस्ट किया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में टाइगर श्रॉफ का तारा सुतारिया के साथ काफी अच्छा बॉन्ड बन गया था, जिसके बाद टाइगर अपनी हीरोपंती 2 के लिए तारा सुतारिया को फिल्म में लाना चाहते थे। बिना पहले कोई फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद तारा ने अपनी एक्टिंग से सभी दर्शकों के दिल जीत लिए हैं। जब से तारा ने फिल्म साइन की है, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तारा सुतारिया से बहुत ही ज्यादा सैटिस्फाइड है, और उनका ये मानना है कि तारा सुतारिया से बेहतर ऑप्शन उनके पास कोई नहीं होता। ऐसे में फिल्म में अब तारा फाइनल हो गई है। हीरोपंती 2 में तारा सुतारिया टाइगर श्रॉफ के अगेंस्ट में नजर आने वाली है। इस फिल्म में तारा सुतारिया को क्या फैंस देखना पसंद करेंगे, या फिर सारा अली खान की कमी खलने वाली है? क्या लगता है आपको, क्या सारा अली खान तारा से बेटर चॉइस होती, या फिर तारा सुतारिया इस फिल्म के लिए परफेक्ट है? अपने व्यूज हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।